तो फाइनली दोस्तों 400 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो आ चुकी है। तो आज की वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ उसकी पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो आज की वीडियो स्पेशल न्यू यूट्यूबर्स के लिए है, क्योंकि न्यू यूट्यूबर्स स्टार्टिंग में जब चैनल स्टार्ट करता है तो उसकी सबसे बड़ी चाहत होती है, भाई मैं भी चैनल मोनेटाइज करके पैसा इंक्रीज करूँ। तो ऐसे में वो जल्दबाजी करता है और जल्दबाजी में गलतियाँ होनी जाहिर सी बात है। तो वो कौन कौन सी गलती करता है, तो तीन सबसे बड़ी गलतियाँ वो मैं आज बताने वाला हूँ। उसके सबसे पहले मैं आपको गलतियाँ बताऊँगा और उसके बाद उन गलतियों में सुधार और कुछ तरीके बताऊँगा जिनसे आप आसानी से ग्रोथ कर सकते हो। तो 400 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो यही है, तो वीडियो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करे। तो दोस्तों सबसे पहली गलती का नाम है सब्सक्राइब करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। वो कैसे, जब आप चैनल स्टार्ट करते हैं तो वीडियो अपलोड नहीं करते, अगर वीडियो अपलोड भी कर देते हो तो भी आप क्या करते हो, अपने अड़ोस पड़ोस भाई बहन किसी का भी मोबाइल लेकर अपना चैनल सर्च करके या लिंक भेजकर आप सब्सक्राइब कर देते हो। तो ऐसे में आप 50, 100, 200 सब्सक्राइबर आसानी से कर लेते हो। तो ऐसे में क्या है, आपका तो कोई दम नहीं लगा, आपका तो बस सब्सक्राइब फोन लिया और सब्सक्राइब किया, आपका कोई जोर नहीं लगा। तो ऐसे में आप कब तक आप ऐसे सब्सक्राइब बढ़ाओगे। तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है पहली। अब दूसरी गलती का नाम है वीडियो शेयर करना। आप वीडियो बना देते हो, अपलोड करते हो, तो आप क्या करते हैं, हर किसी को वीडियो शेयर कर देते हो, जिन जिनको जानते हो, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सअप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए हर किसी को वीडियो शेयर करते हो। तो क्या गारंटी है कि वो आपकी वीडियो फुल वॉच करेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में कुछ लोग हैं जो आपकी वीडियो फुल वॉच कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे में आपका एवरेज ड्यूरेशन खराब होगा। अगर एवरेज ड्यूरेशन खराब होगा तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो आप वीडियो शेयर करें, बिल्कुल करें, लेकिन उन लोगों को करें जो आपकी वीडियो में इंटरेस्ट रखता है, जो आपकी वीडियो फुल वॉच कर सके। हर किसी को आप शेयर मत कीजिए। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती यही है कि आप वीडियो शेयर करते हो। तो सबसे बड़ी गलती आपको ये नहीं करनी कि आपने सब्सक्राइब नहीं करना, खुद को सब्सक्राइब खुद ने नहीं करना। और दूसरी बड़ी गलती आपको वीडियो शेयर नहीं करनी। और तीसरी सबसे बड़ी गलती आपको वेबसाइट या एप्लीकेशन का सहारा नहीं लेना है। तो आपको करना क्या है, तो आपको अपनी वीडियो अपलोड करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर सब्सक्राइब नहीं होंगे, 0 सब्सक्राइब पर हम वीडियो अपलोड कर देंगे तो भाई कौन सब्सक्राइब करेगा, कौन हमें लाइक करेगा। वो तो ऐसा सोचेगा कि इसके तो कुछ भी सब्सक्राइब या वॉच टाइम कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करें, ठीक है। तो इसमें आप सब्सक्राइब हाइड करके रख लीजिए। स्टार्टिंग में आप सब्सक्राइब हाइड करके रख लीजिए। जब आपके 5,000, 2,000, 1,500 हो जाएंगे, जब आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ यार अब अनहाइड हम कर देते हैं, तो तब आप अनहाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप हाइड कर लीजिएगा, लेकिन आप एक दूसरे का मोबाइल लेकर सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अब दूसरी वीडियो शेयर करें, लेकिन उनको करें जो आपको लाइक करे, फुल वीडियो वॉच करे, नहीं तो मत कीजिए। तो तीसरी बड़ी गलती आपकी यही है कि आप वेबसाइट एप्लीकेशन का सहारा लेते हैं, जिनके जरिए आप सब्सक्राइब्स, वॉच टाइम, व्यूज़ इंक्रीज करते हो। तो कब तक आप ऐसा करोगे, मान लिया आप चलो 4,000 वॉच टाइम इंक्रीज कर लोगे, 1,000 सब्सक्राइब इंक्रीज कर लोगे, तो बाद में कहाँ से करोगे, कब तक आप कर सकोगे। अगर आपको YouTube का पता चल गया तो वो आपका चैनल टर्मिनेट कर देगा, तो आपकी मेहनत दरी रहेगी। तो ऐसे में आप ये तीन बड़ी गलतियां मत कीजिए, ठीक है। अब तीसरी बड़ी गलती थी एप्लीकेशन या वेबसाइट का सहारा लेना, उनका सहारा मत लेते हुए आपको अपनी वीडियो में सुधार लाना चाहिए। आप क्या करते हो स्टार्टिंग में आप वीडियो अपलोड करने के बाद ये सर्च नहीं करते कि हम अपनी वीडियो में कंटेंट कैसे प्रोवाइड करें, कौन सा कंटेंट प्रोवाइड करना है, क्वालिटी कैसे लाए, ऑडियो क्वालिटी कैसे बेस्ट करें, यानी कि आप कंटेंट का तो नाम लेते ही नहीं हैं। आप बस ऐसे करते हैं, वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइब कैसे बढ़ाएं, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, 10 दिन में हम मोनेटाइज कैसे करें, ऐसा आप इन चीज़ों को सर्च करते हो। तो ऐसे में आपका टाइम वेस्ट है। आप जितना टाइम इन चीज़ को सर्च करने में टाइम वेस्ट करते हो ना, उतना टाइम अगर आप अपनी वीडियो क्वालिटी सुधारने में करोगे ना, तो 100% गारंटी है आपका चैनल ग्रोथ आसानी से हो जाएगा। तो अब मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ जिनके जरिए आप आसानी से ग्रोथ कर सकोगे। वीडियो अपलोड करते वक्त आप SEO करके वीडियो अपलोड करें, ठीक है।
SEO, आप विद्याईक्यू एप्लीकेशन का सारा लेकर SEO करके वीडियो अपलोड करें। अगर आपको SEO करना नहीं आता तो मैं जल्द ही एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें बताऊंगा कि SEO कैसे करते हैं। SEO के जरिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, मुझे हुआ है, कैसे हुआ है, किन वीडियो में हुआ है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक स्पेशल वीडियो में। तो आपको वीडियो अपलोड करनी है SEO करके, ठीक है, और थंबनेल अट्रैक्टिव बनाइए, जितना हो सके उतना अट्रैक्टिव। आपको थंबनेल में एक घंटा आधा घंटा लग जाना चाहिए बनाने में, क्योंकि स्टार्टिंग में 10 मिनट में आप थंबनेल बना दे तो भाई कुछ भी उसमें तुक वाली बात नहीं होती है, ठीक है। आप थंबनेल बनाना सीखे, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो जिनमें थंबनेल बनाना सिखा रही है, अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाए, तो थंबनेल बनाना सीखिए। सबसे बेस्ट थंबनेल अट्रैक्टिव बनाइए जिनके जरिए आपका CTR बढ़े, और CTR बढ़ेगा तो व्यूज़ भी बढ़ेंगे। तो आपको कुल मिला के अपनी वीडियो क्वालिटी कंटेंट में सुधार लाना है, आपको ये सर्च नहीं करना है आलतू फालतू की चीज़ें, भाई हम वॉच टाइम सब्सक्राइबर व्यूज़ कैसे बढ़ाए, आपको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। आपको ना वीडियो शेयर करनी है और ना ही सब्सक्राइब करना है खुद को, बस इन तीन गलतियों का अगर आप नहीं करते तो आप आसानी से ग्रोथ कर जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।